सबको हैप्पी रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन का टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हम लोग 11 को रात में मना रहे हैं और अभी मैं खाली लगा रही हूँ रक्षाबंधन के लिए। बहुत लोग 12 तारीख को भी मनाने वाले हैं, तो जब भी जो भी मनाने वाला है सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो तिलक के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ चावल, सिंदूर और तेल। ये तीनों को मिक्स कर लेना है और इससे क्या होता है कि जब आप तिलक लगाओगे ना तो चावल गिरता नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपने रक्षाबंधन किस तरह से मनाया। अब यहाँ पे जो भी राखी है वो हम एक एक करके थाली में रखेंगे। अभी दिया जलाएंगे, तो में तेल डालना। एक राखी मेरी दीदी ने भेजा था, ये देखो पता नहीं ये दिखता है कि नहीं, बहुत ही सुंदर राखी है। यहाँ पे अगरबत्ती की जगह आप धूप भी जला सकते हो, क्योंकि मुझे अगरबत्ती थोड़ा सा डेंजरस लगता है। आप संभाल सकते हो तो जला लेना। शुगुल्ला ये भी रखना है इसमें। आप कौन सा मिठाई रखते हो? ये हमारे घर में सबका फेवरेट है, तो ये जो फेवरेट है जो खाते हैं वही रखेंगे। तो ये रख दिया और ये मैं अपने तरफ से रखती हूँ। ये भी मिठाई है, ये वैष्णो देवी का है, तो ये भी रख देंगे। तैयार हो गई है, अब हम राखी बांधेंगे। तो चलिए राखी बांधते। सबसे पहले भगवान को बांधेंगे, तो वो भी मैं आपको। स्कूल में ना ये थाली डेकोरेशन वाला कंपटीशन रखा जाता था और उसमें इतने सुंदर सुंदर थाली सजाते थे ना, अलग अलग थीम के ऊपर वहाँ पे थाली डेकोरेट किया जाता था, बहुत सुंदर होता था। तो आपने अगर कभी पार्टिसिपेट किया तो कमेंट में ज़रूर बताना, और उसमें प्राइज जीते हो या नहीं वो भी बताना। तो सबसे पहले यहाँ पे मम्मी ने मामा को राखी बांध दिया। तो वैसे तो मेरे 4 मामा और 2 मौसी है, लेकिन सब बार बार दूर रहते हैं, मतलब तो सब एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो दोनों मौसी की तरफ से भी मम्मी ने बांध दिया। तो मैंने भी भाई को राखी यहाँ पे बांध दिया और लास्ट में पापा आए ऑफिस से, तो उन्हें भी मैंने राखी बांधा। तो बस इसी तरह सिंपल रक्षाबंधन हमारा सेलिब्रेशन हुआ। तो ये छोटा सा मिनी व्लॉग था, आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।